सो गाइस, आजकल मैं बहुत सारे ऑडियो प्रोडक्ट के रिव्यू कर रहा हूँ और आप लोगों की भी डिमांड है भाई स्पीकर के भी रिव्यू करो। तो भाई आज ना मैं एक स्पीकर का रिव्यू करने वाला हूँ जो है एमकेट की तरफ से, एमकेट पॉकेट ब्लास्ट। भाई ये जो है ना, ये छोटे पॉकेट में बड़ा धमाका बोलते ना, इसका नाम जो है ना ब्लास्ट, वो एक्चुअल में इस पे सूट करता है। क्यों भाई, मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और हाँ, मतलब हर बार आप लोग की डिमांड रहती है भाई गिव अवे करो, गिव अवे करो, गिव अवे करो। तो एमकेट से बात करके मैंने इस बार आप लोगों के लिए एक यूनिट ब्रांड न्यू गिव अवे का अरेंजमेंट कराया है। मैं बताऊंगा वीडियो में किस तरह से आपको गिव अवे मिलेगा। आप में से कोई एक लकी बंदा भाई ये वाला ब्लूटूथ स्पीकर जीत सकता है। सो पूरी वीडियो देखना, ध्यान से देखना। सो ही व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड दिस इज द अनबॉक्सिंग एंड फुल रिव्यू ऑफ दिस एमकेट ब्लूटूथ स्पीकर आफ्टर यूजिंग इट फॉर मोर देन 40 डेज आई गेस। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज, लगभग 1.5 महीने पहले ये मेरे पास ब्लूटूथ स्पीकर आ चुका है, तो मैंने तभी अनबॉक्सिंग शूट की थी। आप लोग एक बार अनबॉक्सिंग देख लो, उसके बाद मैं आप बात करता हूँ इसके बारे में। ये एमकेट की तरफ से पॉकेट ब्लास्ट करके स्पीकर है, पावरफुल 6 वॉट आउटपुट, FM रेडियो दिया हुआ है, लॉन्ग बैटरी लाइफ है, ऑक्स SD कार्ड, USB, ये सारी चीज़ें का फीचर दिया हुआ है। हम खोलते हैं पहले इसको। ओके, तो यहाँ पर ये जो इस पर कुछ थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन वगैरह दिए हुए हैं। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, वाओ वाओ नाइस, 1 ईयर ऑफ वारंटी। ओके, एमकेट पैकेजिंग सीम्स रियली गुड। इधर पे सील दी हुई है, इधर पे एक यूज़र गाइड है। ओके वेरी नाइस, बहुत सारा पूरा डिटेल दिया हुआ है कैसे आपको यूज़ करना है सारी चीज़ें। दो चीज़ें मिल जाती हैं, एक नॉर्मल ऑक्सिलरी केबल है, ऑक्स केबल, और एक ये टाइप सी केबल है। सो दैट्स नाइस, टाइप सी टू USB केबल बेसिकली चार्ज करने के लिए। और यहाँ पर ये पॉकेट ब्लास्ट स्पीकर मिल जाता है हमको, ये छोटू सा स्पीकर है। वाओ, ऑन ऑफ, अरे बिल्ड क्वालिटी सीम्स वेरी नाइस। नहीं, और ये एक लैनयार्ड बोलते ना, क्या बोलते हैं, केबल जो लटकाने के लिए होता है, वो भी दिया हुआ है। क्वालिटी ऐसा लग रहा नहीं है कि टूट जाएगा, आसानी से आराम से उसका वेट झेल लेगा। यहाँ पर रिकॉर्ड का बटन है, डिलीट का बटन है, मैनुअल पता नहीं क्या है ये, प्लस माइनस, प्ले पॉज का बटन है, वॉल्यूम मतलब कॉल रिसीव करने का। इधर USB की पोर्ट दिया हुआ है 5 वोल्ट का, USB टाइप सी इनपुट पोर्ट है जिसके वजह से आप चार्ज कर सकते हो जिसको लगा के। एज द फर्स्ट इंप्रेशन द बिल्ड क्वालिटी सीम्स रियली नाइस। आई मैं ऑन करता हूँ पहले, तो इधर पे हाई लिख के आ गया एमकेट। ओ भाई, बूम करके ब्लूटूथ मोड, हमको ब्लूटूथ नहीं चाहिए, मोड से चाहिए FM। लेट्स सी, एमकेट पॉकेट ब्लास्ट आ गया यहाँ पर। कनेक्टेड, ओ कनेक्टेड, भाई मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी, क्या लाउड ही है और पूरे फुल वॉल्यूम पे भी डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा भाई, दिस इज सो गुड। लेट मी शो यू भाई, वो गाना तो मैं दिखा नहीं सकता था भाई क्योंकि कॉपीराइट आने का खतरा रहता था पूरा। अरे देखो, मैं इधर पे रखता हूँ यार, गाना बजाता तो देखो कैसा होता है, देख लो। वाओ, आई एम रियली इंप्रेस्ड, बेस्ट फील होता है इसका। ऐसा ऐसा इधर पे हाथ रखो ना, ऐसा अच्छा ऊपर हाथ रखो तो इतना बेस्ट फील होता है। ऐसा मतलब फील होता है ना गाइस कि कोई बड़े स्पीकर से आवाज़ आ रही है। भाई इतना छोटा सा स्पीकर है लेकिन काफ़ी दमदार आवाज़ है इसकी, बहुत तेज़ आवाज़ है। और इस पर मैं सुन रहा हूँ ना तो मेरे को थोड़ा थोड़ा डिस्टॉर्शन लग रहा है, और मैं जब उस पर सुन रहा था तो मेरे को डिस्टॉर्शन भी नहीं लग रहा था। अभी मैं थोड़ा सा ना इसको यूज़ करता हूँ, इसकी बैटरी लाइफ टेस्ट करता हूँ और पूरा प्रॉपरली टेस्ट करके फिर आपको इसका रिव्यू देता हूँ। अगर मैं अब रिव्यू की बात करूँ तो भाई पहले मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ। बिल्ड क्वालिटी भाई प्लास्टिक का है पूरा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सॉलिड कंस्ट्रक्शन है, ज़रा भी ऐसा मतलब फील नहीं होता सस्ता। भाई बाय द वे 1500 रुपये के आते हैं ये, तो 1500 रुपए के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, काफी अच्छा मैट ब्लैक में है तो बहुत ही सही दिखता है, दिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर सामने की तरफ में ये ग्लॉसी स्क्रीन दी हुई है, तो भाई स्क्रीन है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और ग्रिल में भी कोई दिक्कत नहीं आया इतने दिन से मैं यूज कर रहा हूँ। मैं ज्यादा तो यूज नहीं करता हूँ लेकिन यूज करता हूँ, मतलब लगभग कुछ टाइम तक के तो यूज कर ही लेता हूँ। और ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है भाई बहुत ही सही है, लुक में भी काफी छोटा सा है, काफी कॉम्पैक्ट का है, मतलब इतना सा है देख लो, अब इतना सा है और आराम से कहीं पर भी रख दो, टेंशन नहीं रहता, काफी सही। और बिल्ड क्वालिटी भी एकदम मजबूत है, मतलब एकदम कड़ा कैसा लगता नहीं, चीप वीप नहीं लगता भाई, एकदम मस्त है, 1500 रुपये के हिसाब से बहुत ही तगड़ा है। और चालू करने के बाद भाई इधर पे डिस्प्ले आता है, सब वो सब दिखता है नॉर्मल। और भाई जो बटन है तो चालू करने वाला बहुत ही मस्त है, एकदम टैक्टाइल, बंद चालू, बंद चालू। उसके बाजू में USB टाइप सी पोर्ट दिया हुआ भाई,
यूएसबी टाइप सी पोर्ट बताओ। ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी, 1500 रुपए में यूएसबी टाइप सी पोर्ट वाला स्पीकर मिलना भाई बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच एमकेट फॉर दिस मूव भाई, ये बहुत अच्छा काम किया आपने। उसके बाद यूएसबी दिया हुआ है हमको, इससे आप कोई भी पेन ड्राइव लगा के आप गाना सुन सकते हो। उसके बाद माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है, इससे आप कोई भी माइक्रो एसडी कार्ड के अंदर डाल के गाना सुन सकते हो। एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, माइक्रो एसडी कार्ड जब लगता है ना तो एकदम फ्लश रहता है, तो बाहर रहता नहीं है। तो अगर आपके पास कोई माइक्रो एसडी कार्ड है उसमें आप बहुत सारे गाने लोड करके डाल दो उसके अंदर, और डालने के बाद एकदम फ्लश हो जाएगा। अब ये समझ लो एकदम पूरा जो पोर्टेबल आपका वो हो जाता है, पूरा एक म्यूजिक प्लेयर। इसको ऑफलाइन बजाओ भाई, कहीं बाहर जा रहे हो ट्रैकिंग वगैरह पे, तो ऑफलाइन बजाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे को बहुत सबसे बेस्ट फीचर मेरे को ये लगा कि भाई एकदम फ्लश बैठ जाता तो एकदम मस्त रहता है। ऑक्स पोर्ट भी दिया हुआ है, तो आप कोई भी फोन से अगर जिसमें ब्लूटूथ वगैरह नहीं है, लैपटॉप वगैरह, उससे आप कनेक्ट करके बजा सकते हो। ऊपर बहुत सारे बटन दिए हुए, मतलब अगर आपको जैसे गाना कोई भी स्किप करना है डायरेक्टली 10 नंबर लगाना, तो 10 दबा के प्ले कर दो तो वो 10 नंबर पर सीधा स्किप हो जाता है। अगर आप मेमोरी कार्ड में गाना है, चैनल चेंज करना है, वो सब आप अपना जो फेवरेट चैनल है उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ये चीज़ बहुत सही लगी मेरे को। कॉल भी कर सकते हो, लेकिन जो कॉल की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं लगी मेरे को। मतलब जो माइक का पिकअप है वो इतना कुछ खास नहीं है, मतलब आवाज़ सामने वाले की मस्त आती है, लेकिन आपको बहुत तेज़ चिल्ला चिल्ला के बात करना पड़ेगा। इसका जो माइक का पिकअप पैटर्न है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, सो मैं कॉल के लिए इसको नहीं यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर FM दिया हुआ है, हाँ, और कोई भी एंटीना वेंटीना नहीं लगता है। FM भी बहुत सही से काम करता है। एक बार जब आप फर्स्ट टाइम लोगे ना, तो ये जो कॉल वाला बटन है ना, मेन बटन, उसको आपको दबा के रखना पड़ेगा, तो सारे चैनल वो स्कैन कर देगा। उसके बाद आप सब चैनल पे चेंज वगैरह कर सकते हो। तो भाई इसमें सबसे ज़्यादा FM ही सुनता हूँ, मतलब FM सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि भाई अभी आज के टाइम पे कहाँ FM रेडियो वगैरह सुनने को मिलता, बहुत कम ही मिलता है। सो FM सुनने को भी बहुत सही रहता है। इसके ऊपर ब्लूटूथ कनेक्ट कर दो, मस्त एकदम अच्छा कनेक्शन, ब्लूटूथ 5.0 दिया हुआ है। कनेक्शन डिस्कनेक्ट भी नहीं होता, एकदम फास्ट फास्ट कनेक्ट भी होता, तो ये मेरे को काफी सही लगा। ओवरऑल जो फीचर्स है बहुत अच्छे, ऑक्स भी दिया हुआ है, सारी चीजें अच्छे से काम करती है भाई, और बटन वगैरह भी काफी टैक्टाइल है, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगा। अब मैं मेन चीज की बात करता हूं, जो है साउंड क्वालिटी। भाई ये इतना सा दिख रहा है, लेकिन क्या बजता है, ये कुछ ज्यादा ही तेज बजता है। ये पूरा ऑफिस है ना, पूरा ऑफिस भर जाता है, इतना तेज बजता है, बहुत ही ज्यादा लाउड है। लेकिन जब एकदम 100% वॉल्यूम पे आप सुनोगे ना, पूरा झन्ना देता, पूरा एकदम हिल जाए, एकदम एक जगह पर बैठ नहीं सकता, इतना तेज बजता है। एकदम बेसी आवाज़ है, बहुत तगड़ा आवाज़ है इसका, बहुत तेज बजता है, लेकिन पूरा हिलते रहता, बहुत ज़्यादा इसमें बेस है। लेकिन इसमें 30 वॉल्यूम लेवल है, तो जब 30 लेवल पे रखोगे ना, तो भाई बहुत, मतलब जो एकदम टॉप लेवल है ना, उस पे बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन होता है। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं पसंद करता भाई, डिस्टॉर्शन वाला म्यूजिक मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मैं इसको 24 के नीचे ही रखता हूँ हमेशा, 90% ऑफ द टाइम। और 24 के नीचे भी ये बहुत ज़्यादा लाउड रहता है भाई, बहुत ज़्यादा लाउड रहता है। एक छोटा सा कंपैरिजन आप देख लो, एक फ़ोन का, मेरे पास सबसे लाउडेस्ट फ़ोन जो है ना, वो पोको X3 है, उसके साइड बाय साइड इसका आप देख लो कितना तेज़ बजता है। ये है पोको X3, ये डायरेक्ट मैं बजाता हूं, इसकी आवाज सुन लो आप लोग। सबसे लाउडेस्ट फोन यही है, और सबसे भारी स्पीकर के साथ में। अभी फोन के कंपैरिजन में, अभी मैं इसके अंदर, ये देखो, ये एमकेट पॉकेट ब्लास्ट कनेक्टेड है ये फोन में, इसमें बजाता हूं सेम सॉन्ग। वेट आता तो पूरा हिलता है। भाई जैसे आपने देखा, काफी ज्यादा लाउड स्पीकर है इसका, और लाउड होने के साथ साथ काफी क्लियर भी है। अगर आप 24 लेवल के ऊपर जाओगे तो फिर डिस्टॉर्शन होता है, मतलब इतना भी एक्सट्रीम लेवल का डिस्टॉर्शन नहीं होता। अगर आप इतना ज्यादा पीकी नहीं हो ना, मैं अपने म्यूजिक को लेके भाई बहुत पीकी हूँ, मेरे को जरा से भी डिस्टॉर्शन नहीं पसंद है, तो मैं 24 लेवल के ऊपर जाता नहीं हूँ। उसके अलावा जो बेस है, बेस बहुत अच्छा है, बेस है, लेकिन कोई कोई स्पीकर में कैसा होता है, अगर बहुत ज्यादा बेस होता तो जो वोकल्स वगैरह वो मड़ी हो जाती है। इसका वोकल्स वगैरह भी काफी अच्छे से, जो हाइज है वो भी काफी अच्छे से सुनाई देती है। सो ओवरऑल जो म्यूजिक है ना, आप बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे अगर आप बाहर लेके जा रहे हो उसको ट्रैकिंग वगैरह पे, या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हो
ये लेके जा रहे हो ना भाई, मजा आएगा आपको यूज करने में आराम से। पूरा अगर आप समझ लो ट्रेन वगैरह में सफर करो, चालू कर दिए, आराम से पूरे बोगी को जो पूरा आपका कंपार्टमेंट रहता है वो पूरा फुल कर देगा। फुल क्या कर देगा, आजू बाजू वाले चिल्लाने भी लगेंगे इतनी तेज आवाज इसकी। तो भाई जो आवाज की लाउडनेस है वो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई, बहुत ही ज्यादा लाउड है, मतलब लाउड के साथ साथ बहुत अच्छा क्वालिटी का आवाज देता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा साउंड क्वालिटी के मामले में। लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट करता है फुल वॉल्यूम पे, तो फुल वॉल्यूम पे तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अरे मैं इसको 15 पे भी रख के सुनता रहा हूं तो सफिशियंट रहता है, इतना ज्यादा लाउड है ये। तो लाउडनेस के मामले में कमी नहीं है भाई, हिलता भी बहुत ज्यादा है, तो इसको मैं ऐसा यूजुअली टांग देता हूं लैनियर्ड में और सुनते रहता हूँ। तो वो बेस्ट लगा मेरे को। ओवरऑल आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड विद दिस प्रोडक्ट। 2-2.5 घंटा के आसपास लगता है उसको फुल चार्ज होने को, और 5-6 घंटा मतलब वेरी करता है, एकदम फुल वॉल्यूम पे रख के बजाओगे ना तो 5 घंटा चलेगा, और अगर थोड़ा कम करके बजाओगे तो भाई 6-7 घंटा बोला है इन लोग ने, लेकिन 5-6 घंटा चल जाता है। ओवरऑल बैटरी लाइफ भी है वो काफ़ी डिसेंट है, थोड़ी और अच्छी बैटरी लाइफ हो सकती थी, अगर इसमें 10-12 घंटे की बैटरी लाइफ होती तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन भाई ये जो साइज़ है ये साइज़ के हिसाब से बहुत ही ज्यादा प्यारा और बहुत ही ज्यादा अच्छा स्पीकर लगा मेरे को 1500 रुपए में। मैं डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूं भाई, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा भाई अमेज़न की, आप लोग वहां पर जाकर इसको परचेज कर सकते हो। लेकिन आप में से कोई एक बंदे को यह पेटी पैक मिलने वाला है, उसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, वो तो एकदम नॉर्मल है, उसमें क्या ही बोलना। एक मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालूंगा, वहां पर जाके वो पोस्ट को लाइक करना है, मुझे फॉलो करना है इंस्टाग्राम पर, और वो जो पोस्ट है ना उसके नीचे कमेंट करना है। तो सारे जो रूल्स है एकदम प्रॉपरली मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिख के दे दूंगा, तो प्रॉपरली पढ़ लेना एक एक रूल, और फिर भाई आप में से कोई एक बंदे को ब्रांड न्यू एमकेट पॉकेट ब्लास्ट मिल सकता है। सो या वीडियो शेयर जितना करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, समझ रहे हो ना। सो या गाइस ये था मेरा रिव्यू एमकेट पॉकेट ब्लास्ट का, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटे के आइकन को भी दबा देना, ताकि फ्यूचर में इसी तरीके के अमेजिंग क्वालिटी की टेक वीडियोस आप लोग को मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।